पीठ दर्द हो तो ले आयुर्वेद के अनुसार आहार। हल्दी अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है। हल्दी में कर्कुमिन नामक तत्व पाया जाता है जो उत्कों को नष्ट होने और सूजन आदि बचाता है और इससे मांसपेशियां उचित तरीके से काम करती है। सलाद पर हल्दी छिड़के या इसे सब्जी में मिलाएं। हल्का और आसानी से पचने वाला आहार ले। कब्ज, गैस्ट्रिक समस्याएं और पीठ का दर्द आपस में संबंधित है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें जिनसे कब्ज की समस्या हो। इसके अलावा फाइबर युक्त आहार ले। कब्ज से बचने के लिए 5 ग्राम बृहत रिफला पाउडर को पानी में मिला कर ले। आयुर्वेद के जानकारों के अनुसार बिशप घास के बीज की चाय दर्द और कब्ज से आराम दिलाने में बहुत सहायक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो दर्द कम करता है। वेलेरियन, कोमोमाइल, स्कल कैप, कृष्ण कमल का फूल और जटामासी भी ऐसा ही असर करते हैं। लहसुन में दर्द निवारक गुण होता है। लहसुन की 10 कलियों को नारियल के तेल में सुनहरा होने तक तले। इस तेल का उपयोग मालिश करने के लिए करें क्योंकि इससे रक्त प्रवाह में सुधार आता है, मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और दर्द से आराम मिलता है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। आमतौर पर पीठ दर्द का मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। यह विशेष रूप से स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में होता है। अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी और पेट को ठीक करने का गुण होता है। यही कारण है कि अदरक पीठ दर्द से आराम मिलाता है। अदरक की चाय पिए या इसे कद्दूकस करके अपने वेजिटेबल जूस में मिलाए। इन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। आयुर्वेद के अनुसार पीठ के दर्द को रोकने के लिए उपरोक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने के अलावा आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए जो पीठ दर्द को बढ़ाते हैं। अनाज और चीनी का सेवन कम करें। इससे लेप्टिन और इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे सूजन और दर्द बढ़ता है। इसके अलावा राजमा, उड़द दाल, भिंडी और कड़ी का सेवन न करें।